हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रिएटर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2014 के अपर प्राइमरी लेवल यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीसी यानी कि बाल विकास एवं अभिज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है वो पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। सेकेंड है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। एंड फोर्थ माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। तो वन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहचर्य के नियम है। फर्स्ट समानता का नियम, सेकंड वैषम्य का नियम, थर्ड समीपता का नियम एंड फोर्थ उपर्युक्त सभी। टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, साहचर्य के नियम समानता के नियम भी है, वैषम्य के नियम भी है और समीपता के नियम भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। फर्स्ट ऑप्शन अभिप्रेरण, सेकंड समायोजन, थर्ड सीखना एंड फोर्थ चिंतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री का ऑप्शन थ्री, सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या फिर अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फर्स्ट आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, सेकेंड अहंकारी प्रवृत्ति, थर्ड नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति एंड फोर्थ हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थ्री, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति में इंसान खुद ही मतलब खुद उसको लगता है कि सबसे सुंदर मैं ही हूँ, जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी मेरे में ही है। मतलब वो खुद को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, वो समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो खुद से खुद प्यार करने लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड मौसम, थर्ड वातावरण एंड फोर्थ जलवायु। करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइव का ऑप्शन थ्री, वातावरण। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। फर्स्ट प्रामाणिक विचलन का मान, सेकंड केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, थर्ड सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान एंड फोर्थ समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स का ऑप्शन टू, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? फर्स्ट वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, सेकंड वे हमेशा सफल होते हैं, थर्ड वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं एंड फोर्थ वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन का ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर एट, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिष्य को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड है अरस्तु, थर्ड रूसो एंड फोर्थ रॉस। करेक्ट आंसर हो जाएगा एट का ऑप्शन थ्री, बालक की एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिष्य को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, यह रूसो ने कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नाइन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। फर्स्ट बालक का, सेकंड अध्यापक का, थर्ड अभिभावक का एंड फोर्थ प्रशासक का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, बाल मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्टूडेंट यानी कि बालक को दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? फर्स्ट आगमनात्मक, सेकंड निगमनात्मक, थर्ड उपर्युक्त दोनों एंड फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव मेथड।
क्वेश्चन नंबर 11, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? फर्स्ट पर निर्भरता, सेकंड सामूहिकता की भावना, थर्ड धार्मिकता एंड फोर्थ अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 का ऑप्शन फर्स्ट पर निर्भरता, बट कई कई बुक में 2 भी दे रखा है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर मानो तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? फर्स्ट प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, सेकंड व्यवसाय की समस्या, थर्ड नई परिस्थिति के साथ समायोजन एंड फोर्थ उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन फोर्थ उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन के प्रकार में प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी कि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? फर्स्ट मूर्ख, सेकंड मंद बुद्धि, थर्ड सामान्य बुद्धि एंड फोर्थ प्रतिभाशाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन फोर्थ प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट क्रोएनक्रो, सेकंड जेम्स ड्रेवर, थर्ड रॉस एंड फोर्थ स्किनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन फर्स्ट। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह क्रोएनक्रो ने कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के पाठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव है। सेकंड है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड है उसे दंडित करना चाहिए एंड फोर्थ है इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि सीखने पाठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये निगेटिव वे में जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी बच्चों को पीटने या फिर उन्हें दंडित करने के लिए नहीं सजेस्ट करता है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, उसे कहते हैं? फर्स्ट उन्नतोदर वक्र, सेकंड नतोदर वक्र, थर्ड मिश्रित वक्र रेखा एंड फोर्थ वक्र रेखा नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उन्नतोदर वर्क। नेक्स्ट है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? फर्स्ट दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, सेकंड कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, थर्ड कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं एंड फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन 2, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? फर्स्ट बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सेकंड कुसमायोजन का निराकरण करना, थर्ड उपर्युक्त दोनों एंड फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है और कुसमायोजन का निराकरण करना भी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है? 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23, उपर्युक्त की माध्यिका क्या होगी? फर्स्ट 36, सेकंड 50, थर्ड 40 एंड फोर्थ 23। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन 3, 40। क्वेश्चन नंबर 21, रुचि का संबंध है? फर्स्ट योग्यता से, सेकंड अवधान से, थर्ड उपर्युक्त दोनों एंड फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन 2, अवधान यानी कि अटेंशन। रुचि का संबंध अवधान से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं? फर्स्ट प्रेरणा, सेकंड
सीखने का स्थानांतरण, थर्ड भग्नाशा एंड फोर्थ चिंता। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन टू। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? फर्स्ट उत्तेजना, सेकंड आवृत्ति, थर्ड सामान्यकरण एंड फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन फर्स्ट उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 24, स्मृति सीखे हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपर्युक्त कथन किसका है? फर्स्ट मैकडूगल, सेकंड वुडवर्थ, थर्ड रॉस एंड फोर्थ ड्रेवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन टू, स्मृति सीखी वस्तु का सीधा प्रयोग है, यह कथन वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या फिर दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान में रखें। फर्स्ट उद्दीपन की स्थिति, सेकंड आवश्यकता, थर्ड उपर्युक्त एक एंड फोर्थ उपर्युक्त दोनों। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, उद्दीपन की स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, फर्स्ट आदतों, सेकंड मूल प्रवृत्तियों, थर्ड शारीरिक विकास एंड फोर्थ संप्रदतियों के निर्माण। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, मूल प्रवृत्तियों। नेक्स्ट है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट संवेग, सेकंड आवश्यकता, थर्ड भावना एंड फोर्थ प्रत्यक्षीकरण। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता यानी कि नीड शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष विकास या निर्माण के लिए शिक्षक, फर्स्ट कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए एंड सेकंड ऑप्शन है शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, थर्ड है शिक्षक को विद्यार्थी को नियमित प्रगतियों के अंतरण का अवसर देना चाहिए एंड फोर्थ शिक्षक को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 29, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दे रखी है? फर्स्ट वॉरेन, सेकंड रॉस, थर्ड वैलेंटाइन एंड फोर्थ स्किनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन टू, रॉस। क्वेश्चन नंबर 30, कल्पना के विकास के लिए फर्स्ट ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, सेकंड कहानी सुनाना चाहिए, थर्ड रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए एंड फोर्थ उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूपी टेट अपर प्राइमरी लेवल के CDP के क्वेश्चन किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।